अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन बेटा, सबसे पहले वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज में कवर किया गया है, ताकि जब हम इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन करें या इससे रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई एमसीक्यूज आ गया हो तो आप उसका आंसर इजीली दे सको, समझ सको। तो सबसे पहले वो टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है जी बेटा। तो भाई एक्सरसाइज 4.8 के अंदर जो टॉपिक डिस्कवर किया गया है, डिस्कस करना है हम लोगों को, जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का नाम है हार्मोनिक, ठीक है जी बेटा। हार्मोनिक सीक्वेंस, ठीक है जी, हार्मोनिक सीक्वेंस। उसके अलावा हम इसको और क्या कह सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। अच्छा जी भाई, आपको ये वाली बात पता होगी, सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कह रहे होते हैं, तो इसलिए हार्मोनिक सीक्वेंस को हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की वजह से ही आपको एचपी एचपी लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है जी बेटा। तो एचपी का मतलब क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब हार्मोनिक सीक्वेंस। अब बेटा यहाँ पे जो चीज समझने वाली है वो ये चीज समझने वाली है कि ये तो पता चल गया कि भाई ये जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन एक छोटी सी ना चीज तुम लोगों को मैंने बतानी है, वो चीज जरा देख लो बेटा, क्योंकि अब नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ताकि किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया और क्या करना है आगे। भाई आपको पता है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम था, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बेटा इसमें मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक के अंदर हमें तीन मेन चीजें पढ़नी है। एक क्या पढ़ना है, तीन सीक्वेंस पढ़नी थी, एक का नाम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी, और लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है जी बेटा। अब मेन जो चीज यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि अर्थमेटिक सीक्वेंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक था। एक ऐसी सीक्वेंस थी जिसमें दो कंजेक्टिव टर्म का क्या लिया जाए, डिफरेंस किया जाए, माइनस किया जाए, वो सेम आएगा, सही जी भाई। यहाँ पे क्या होता था, कॉमन क्या होता था, डिफरेंस होता था, डिफरेंस। इसको हम किसे शो करते थे, डी से शो करते थे, ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा है बेटा। एक सीक्वेंस हम लोगों ने पढ़ी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद में इन डिटेल हम लोगों ने पढ़ी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की क्या करेक्टरिस्टिक थी, भाई एक ऐसी सीक्वेंस थी जिसमें दो कंजेक्टिव टर्म को डिवाइड कर दिया जाए थ्रू आउट द सीक्वेंस, वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो भाई इस सीक्वेंस के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक था, कि कॉमन रेशियो था, सही जी भाई, कॉमन रेशो। और कॉमन रेशो को हम किसे प्रेजेंट कर रहे थे, आर से प्रेजेंट कर रहे थे, ऐसा है। चलिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसा ही था ना। और कॉमन रेशो का क्या फॉर्मूला था, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ऐसा ही था जी, बिल्कुल ऐसा ही था। तो भाई हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया, अब हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और ये सबसे 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 ज्यादा आसान यही टॉपिक है, सही है बेटा, सबसे ज्यादा आसान यही टॉपिक है। अगर तुम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन की अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है, मतलब ऊपर के जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं कर की हुई है, तो ये तो तुम लोगों के लिए इंतहा हलवा है। क्यों, क्योंकि हार्मोनिक प्रोग्रेशन बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह ही है, वही तमाम फार्मूलाज यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना, बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, दो मेन टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब बस लास्ट टॉपिक रह गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो सबसे ज्यादा आसान है। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर क्या क्या फार्मूलाज हैं, जो कि अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, और जो इतने मुश्किल भी नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़े, मैं बस इतना मैं बता रहा हूं, अब इस बात को सुनकर खुश हो जाओ, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत ही ज्यादा आसान है, तो लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 4 का। तो भाई चले जी आ जाए, तो भाई आप लोगों को यह बात पता चल गई कि लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हार्मोनिक सीक्वेंस या हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एचपी भी कहते हैं, ठीक है जी। अब आज बेटा ये सीक्वेंस क्या होती है, इस सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा आसान है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो आ जाए बेटा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सबसे मेन जो चीज आपको याद होनी चाहिए वो है कि भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओए होए होए होए, अगर तुम लोगों को ये वाली लाइन समझ आ गई तो समझ लो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन हलवा है। क्यों, क्योंकि तमाम चीजें उसी से लिंक करनी है, इसी लाइन से लिंक करनी है। कैसे, जरा देखो मैंने क्या लिखा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था एपी, ठीक है जी। तो एपी के जो भी फार्मूलाज थे, जो भी सम का फार्मूला था, जो भी टर्म का फार्मूला था, जो भी मीन का फार्मूला था, वो तमाम फार्मूलाज यहीं पे लगेंगे, लेकिन उसको लगाने से पहले हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है वो रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक मीन का। तो भाई ये एक आइडियल सी लाइन है, ये याद कर लो, जो कि तुम्हें कहीं ना कहीं काम आएगी एमसीक्यूज के अंदर, ईगेट लेवल के ऊपर, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए। क्यों, अब बेटा इसको समझ लो कि भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई अपना फार्मूला नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं है। आपको ये वाली बात पता होगी कि भाई हम लोग जो सीक्वेंस पढ़ते थे उसके अंदर हम जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ते थे, फिर हम सम का फार्मूला पढ़ते थे, फिर हम मीन का फार्मूला पढ़ते थे, ये तीन टॉपिक तो हम पढ़ते ही पढ़ते थे। तो भाई इसी तरीके से हार्मोनिक मीन के हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर भी हम लोगों ने वो तीन टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों टॉपिक के जो फार्मूलाज होंगे वो फार्मूलाज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही आएंगे, लेकिन कैसे करेंगे, बस रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां पे तुम लोगों
की सबसे बड़ी टेंशन ईजी हो गई कि भाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ना, वही तमाम फॉर्मूला यूज होंगे जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के थे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये दिमाग में जरूर क्लियर कर लेना कि अर्थमेटिक के हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब जरा देखते हैं कैसे इसको समझ सकते हैं, उसको समझाने के लिए थोड़ी एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जरा इसको समझो बेटा। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूं, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो यहां पे आपको सीक्वेंस मिले मिसाल के तौर पे T1, ठीक है जी, T2, T3 एंड सो ऑन टू जाते जा रहा है TN टर्म तक। ये आपको मैंने एक सीक्वेंस दी है और ये जो सीक्वेंस है हमारे पास कौन सी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। कौन सी सीक्वेंस है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। और मैंने कहा इस सीक्वेंस के अंदर मुझे कौन सी टर्म मालूम करके दो, 9 टर्म, ठीक है, 9 टर्म मालूम करके दो, ठीक है जी, 9 टर्म का मतलब क्या है, TN मालूम करके दो। तो भाई हार्मोनिक के अंदर टर्म मालूम करने के लिए जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज होना होगा। तो भाई हार्मोनिक टर्म बेसिकली रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो सबसे पहले जो सीक्वेंस तुम्हें हार्मोनिक में दी जाएगी ना, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा, उलट देना। तो भाई ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/T1 हो जाएगा, इसी तरीके से 1/T2 हो जाएगा, इसी तरीके से 1/T3 हो जाएगा, एंड सो ऑन टू जाते जाते ये 1/TN टर्म हो जाएगा। सही जी बेटा। तो अब बेसिकली ये जो सीक्वेंस थी आपके पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन थी, आप देखेंगे जैसे कि आपको यहां पे सीक्वेंस दी गई है, ये कौन सी सीक्वेंस है, फाइंड द इंडिकेटर टर्म इन द फॉलोइंग हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो भाई यहां पे जो आपको सीक्वेंस दी गई है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि ये एक दी गई है, तो आप इसको सबसे पहले रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल कर दी यानी कि उलट दिया सीक्वेंस को, एक एक टर्म को। अब ये जो सीक्वेंस आपके पास किसमें बन चुकी है, ये जो सीक्वेंस है आपकी बन चुकी है एपी के अंदर, ठीक है जी। तो अब हमें जो भी चीज रिक्वायर्ड है, तो एपी के जो फॉर्मूलास थे, एपी का कौन सा फॉर्मूला था, जनरल टर्म का, भाई जनरल टर्म का फॉर्मूला TN इज इक्वल टू A+N-1 × D। उसके अलावा सम का भी फॉर्मूला हम लोगों ने यूज करना है, तो सम का भी फॉर्मूला SN इज इक्वल टू N/2 × 2A+N-1 × D, ठीक है जी। याद रहे कि भाई आपको सीक्वेंस दी जाएगी, बोलेगा हार्मोनिक है, आपने उसको सबसे पहले उलट देना है, जैसे उल्टोगे वो आपकी किसमें बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बन जाएगी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो उनसे भी फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने हैं, वो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आंसर आएगा तो अगेन उसको रेसिप्रोकल कर देंगे और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। ये चीज जो आपको समझने वाली है, बस मेन चीज यहाँ पे अपने दिमाग में रख लो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन दी जाए उसका कुछ भी मालूम करना हो, सबसे पहले उसको उलट देंगे, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला यूज करके अपनी रिक्वायर्ड चीज मालूम करेंगे एंड उसको अगेन रेसिप्रोकल कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो आंसर निकल के आएगा वो तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निकल के आएगा ना, तो उसको उलट के वापस हम उसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना लेंगे। अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई मसले की बात नहीं है, जैसे हम क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे ये तमाम चीजें वहां पर यूज हो रही होंगी, लग रहा होगा तो ये चीज जब तुम्हारे रिकॉल होगी तो तुम्हें ऑटोमेटिकली चीजें समझ आने लग जाएंगी, तो परेशान मत हो। सही है, तो बस ये जितनी चीजें डिस्कस की हैं इसको देख लो कि भाई इस तरीके से कुछ काम होने वाला है अगर नहीं समझ आया। उम्मीद करता हूं कि समझ तो आ गया होगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं यार जो थोड़े वीक होते हैं, लेकिन आप समझना कि जब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेन जो आइडिया था कि भाई हार्मोनिक जो प्रोग्रेशन होती है वो रेसिप्रोकल होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये बात याद रख लो कि भाई हार्मोनिक का कोई भी अपना फार्मूला नहीं है, ना ही जनरल टर्म का, ना ही सम का, ना ही मीन का, वो तमाम फार्मूला जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यूज करने पड़ते हैं, कैसे करके, बस सीक्वेंस को उलटकर। ये मेन कॉन्सेप्ट अपना बस याद रख लेना, इसी चीज को हम यूज करेंगे पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की।